नमस्कार, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि जो जॉब रहेगा उसमें टैपिंग कैसे करना है। टैप के लिए देखिए, हमारे पास एडजस्टेबल टैप हैंडल है और टैप सेट है। टैप सेट में तीनों रहेगा। सबसे ज्यादा जो टेपर रहेगा उसको पहले बांध लेना है, उससे बाद उससे कम टेपर जो कि जॉब में देख वीडियो में दिख रहा होगा, उसके बाद उससे कम टेपर, ये आपको चूड़ियों के हिसाब से दिख जाएगा। बांध लेना स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चक्कर आगे जाना है, आधा चक्कर पीछे जाना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग जो पकड़ाना होता है ना, वही इम्पोर्टेंट होता है कि आपको हैंड का जो बराबर पकड़ देके बैठाना रहता है। और साइज वगैरह निकालने के लिए हम आपको एक बार वीडियो में बता देंगे, अभी केवल बता रहे हैं कि रुकेगा नहीं ये। और स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेप पे चलाना है ना, इसी को सावधानी पूर्वक चलाना। बाकी इंटरमीडिएट और बॉटमिंग, उन दोनों में टाइम नहीं लगता है, वो दोनों आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। यही थोड़ा है, थोड़ा टाइट चलेगा तो इसको एक चक्कर आगे आधा चक्कर पीछे, एक चक्कर आगे और आधा चक्कर पीछे हमेशा चलते रहना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हल्का सा टाइट चलता है लेकिन आपको स्ट्रेट में भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेट होना चाहिए, एक चक्कर आगे आधा चक्कर पीछे, ऐसे ही करके आपको काटना है। ये जब पूरा चल जाएगा तब आपको इंटरमीडिएट टेप और फिर जाके आपको बॉटमिंग टेप का प्रयोग करना है। ये वाला फर्स्ट टेप जो होता है वो थोड़ा टाइट करता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, टाइट कटेगा आपका। एक चक्कर आगे जाना है और फिर आधा चक्कर पीछे आना है, एक चक्कर आगे आधा चक्कर पीछे। ऑयल कैन से ऑयल भी डालते रहना है, हमने ऑयल पहले ही डाल दिया है जिससे कि टेप फंसे नहीं, टेप जो है वो टूटे नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा आपका टैप जो है वो नहीं फंसेगा। देखिए अब फंस नहीं रहा है हमारा, फिर भी आधा आधा चक्कर पीछे भी आएंगे, बिल्कुल नहीं फंसेगा तो चलते जाना है आगे तरफ की तरह, लेकिन अगर फंसता है तो आधा चक्कर पीछे भी आपको आना है, इस बातों का विशेष ध्यान रखना। टैप निकालना हम आपको इंच में ब्रिटिश वाला और मेट्रिक वाला दोनों बता देंगे। BSW आ गया तो क्या करेंगे, मेट्रिक में आ गया तो क्या करेंगे, दोनों एक दिन हम बोर्ड पे समझा देंगे। आज केवल टैपिंग निकालना कटना सिखा रहे हैं प्रैक्टिकल, उसके लिए परेशान नहीं होना है। देखिए हमारा फर्स्ट टेप जो है वो चल चुका है, अब सेकंड टेप यानी कि इंटरमीडिएट टेप का प्रयोग करेंगे। मुश्किल है, अगर नए कोई होगा तो ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगेगा, 5-6 मिनट लगेगा। अगर आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो आप 3 मिनट आपके लिए बहुत है, 3 मिनट में आप कर सकते हैं। इसको खोलेंगे और सेकेंड वाले को बांध देंगे। देखिए अगर ये फ्री चलता है तो हम आधा पीछे आके अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। चल रहा है सही, हल्का पीछे आइए, पीछे आइए, बैक आइए, बैक आना है जिससे कि अगर चूड़िया कोई लगता है बने वो टूट के नीचे गिर जाए, है ना, जो चिप्स वगैरह बर वगैरह रहे वो साफ बने। एकदम फ्री चल रहा है तो आपको आगे की तरफ चलते जाना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है आपको। ये हो गया, इसके बाद अब हम फिनिशिंग स्टेप चलाएंगे जिसे बॉटमिंग टेप और तीसरा टेप चलेगा। ना समझ में आए तो सबसे ज्यादा ग्राइंड, उससे कम कर देना है। तीसरा वाला टेप अब चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्प मिल रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वो टॉपिक मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत हो रहा है, अगर आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो मेहनत करने का फिर मन नहीं करेगा। हम मेहनत कर रहे हैं, आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए एकदम फ्री चले तो आपको चलते जाना है, लेकिन फिर भी बीच में एक बार बैक आना है, बैक भी आना है ना। एकदम फ्री चल, फर्स्ट स्टेप में ही टाइम लगता है, जैसा कि आपने देखा था फर्स्ट में ही टाइम लगेगा, उसके बाद आपको टाइम जो है वो नहीं लगेगा। इस तरह से आप आसानी से चूड़िया जो है वो काट सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चूड़ी कटी है कि नहीं कटी है। चूड़ी देख लेते हैं कटी है कि नहीं कटी है।
दिखाइए चोरी करती है कि नहीं करती है। ऊपर दिखाइए, देखिए चूड़ी कितनी फ्रेश कट गई है और अच्छी चूड़ी कटी हुई है। इस तरह से आप चूड़ियाँ जो है वो काट सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।